द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। हमें समीकरण मिला है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। हम 5 का पक्षांतरण करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो हमने क्या प्राप्त किया, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर है 5 प्लस 4। हमने 5 का पक्षांतरण किया तो राइट हैंड साइड में जब वो आएगा तो धनात्मक हो जाएगा और दोनों पक्षों में हमने 4 जोड़ दिया। 4 हमने दोनों पक्षों में इसलिए जोड़ा ताकि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बन जाए, जो कि एक पूर्ण वर्ग होता है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में एक पूर्ण वर्ग बना लिया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 x प्लस 2 का होल स्क्वायर होता है, और राइट हैंड साइड में 5 प्लस 4 अर्थात 9। तो हमने क्या प्राप्त कर लिया है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर है 9। अब हम दोनों पक्षों में वर्गमूल लेते हैं, तो वर्गमूल लेने से, लेफ्ट हैंड साइड में वर्गमूल लेने से स्क्वायर हट जाएगा, x प्लस 2 रह जाएगा, और राइट हैंड साइड में हम प्राप्त करते हैं 9 का वर्गमूल प्लस माइनस 3। प्लस माइनस दोनों चिन्हों को हमें लेना पड़ेगा, वर्गमूल हमने लिया है तो ये मान हो गया प्लस माइनस 3। अब यदि हम धनात्मक लें तो x प्लस 2 का मान होगा 3 के बराबर, और यदि हम माइनस 3 लें तो x प्लस 2 का मान माइनस 3 के बराबर होगा। तो x प्लस 2 बराबर 3 या x प्लस 2 बराबर माइनस 3, दोनों रेखीय समीकरण हैं। पहले समीकरण से हमें क्या मिलता है, x बराबर हो गया 3 माइनस 2 अर्थात 1, और दूसरे समीकरण से x बराबर हो गया माइनस 3 माइनस 2 अर्थात माइनस 5। तो इसलिए x बराबर 1 और x बराबर माइनस 5 समीकरण के अभिष्ट मूल हैं। x बराबर 1 हमने एक मान प्राप्त किया है, दूसरा मान है x बराबर माइनस 5। तो x बराबर 1 और x बराबर माइनस 5 दो मूल हमने प्राप्त कर लिए, जो कि दिए गए समीकरण के अभिष्ट मूल हैं।